करंट अफेयर्स कंपाइलेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राहुल अग्रवाल, इकरा आईएएस में। तो दोस्तों, डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और अन्य वेबसाइट से ये आर्टिकल्स हमने लिए हैं। सोर्सेज अगर आपको मैं बताऊं, द हिंदू का बेसिकली ये आर्टिकल है, पोषण ट्रैकर ऐप, ठीक है। सो अ गवर्नमेंट ऑर्डर थ्रिएटेंड आंगनवाड़ी वर्कर्स इन सेवरल स्टेट्स विद अ पे कट। भैया, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो डरे हुए हैं, क्योंकि सरकार का ऑर्डर आया है कि अगर वो पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे तो उनकी जो भी सैलरी है उसमें कहीं ना कहीं कटौती होगी। तो ये पोषण ट्रैकर ऐप क्या है? ये लॉन्च किया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, द ऐप इनेबल्स रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ द सर्विसेज जो भी आंगनवाड़ी सेंटर, आंगनवाड़ी वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आंगनवाड़ी वर्कर्स की बेसिकली जो भी उनका काम होता है, जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो उसका ट्रैक करेगा पोषण ट्रैकर ऐप। और सरकार चाहती है भाई कि हर एक चीज कहीं ना कहीं किसी ऐप के थ्रू ट्रैक हो, ताकि अगर किसी आंगनवाड़ी में प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, प्रॉपर सर्विस डिलीवरी नहीं हो रही है, तो फिर उसको ठीक किया जा सकेगा। ओके, सो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर रियल ग्रोथ मॉनिटरिंग, रियल टाइम ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ बेनिफिशियरी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ऐप। नाउ, आंगनवाड़ी वर्कर्स का कंसर्न आपको पता होना चाहिए क्या? देखो, फर्स्ट दे वॉन्टेड टू नो हु वुड गिव देम द मोबाइल फोन्स एंड बियर द एक्सपेंसेस फॉर रिचार्ज। इनका कहना है कि भैया, हमारे पास सबके पास स्मार्टफोन तो है नहीं, और कौन इंटरनेट का रिचार्ज करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ स्मार्टफोन्स आंगनवाड़ी वर्कर्स को, हर किसी को चलाना भी नहीं आता होगा, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स बेसिकली मोस्टली रूरल एरियाज में, आपने देखा होगा, दे आर अनट्रेन्ड, दे आर बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स इलिटरेट भी रहती हैं, ठीक है। तो स्मार्टफोन्स चलाना कौन सिखाएगा, ठीक है। तीसरा, मेनी आंगनवाड़ी सेंटर्स आर सिचुएटेड इन रिमोट लोकेशंस, जहाँ पे इंटरनेट आता ही नहीं है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा? तो ये सारे कंसर्न्स हैं जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स ने रेस किए हैं कि भैया, हमारे लिए इतना आसान नहीं है, हमारा पे कट आप मत करो। आगे चलते हैं, लिवमिंट का ये आर्टिकल। फॉर परहैप्स द फर्स्ट टाइम, फोक एंड ट्राइबल आर्टिस्ट अराउंड द कंट्री हैव बीन यूनाइटेड बाय अ कॉमन थीम, कोविड-19, ठीक है। सो अगर हम देखें, मधुबनी पेंटिंग, ऑल्सो रिफर टू एज मिथिला आर्ट, इट फ्लरिशेज इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार। नाउ द पेंटिंग्स आर डन विद मिनरल पिगमेंट प्रिपेयर्ड बाय द आर्टिस्ट। द वर्क इज डन ऑन फ्रेशली प्लास्टर्ड और अ मड वॉल। फॉर कमर्शियल पर्पसेज द वर्क इज नाउ बींग डन ऑन पेपर, क्लोथ, कैनवास एटसेट्रा। द स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैज बीन ट्रेडिशनली डन बाय द वुमेन, एंड टूडे मैन आर ऑल्सो इन्वॉल्व, एंड द पेंटिंग्स आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर ट्राइबल मोटिव्स एंड यूज ऑफ ब्राइट अर्थी कलर्स, ठीक है। एंड फिगर्स फ्रॉम नेचर माइथोलॉजी आर अडेप्टेड टू सूट देयर स्टाइल। नाउ देन, उसके बाद पट्टचित्र पेंटिंग, ओके, फार पेंटिंग। सो दिस फार पेंटिंग और पहाड़ पेंटिंग, इट इज अ स्टाइल ऑफ रिलीजियस स्क्रॉल पेंटिंग एंड फोक पेंटिंग प्रैक्टिस इन राजस्थान। इट इज ट्रेडिशनली डन ऑन अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ और कैनवास नोन एज फड़, फाड़, जो भी आप प्रोनाउंस करो। द पेंटिंग्स डिपिक्ट द नैरेटिव्स ऑफ द फोक डिटीज ऑफ राजस्थान, मोस्टली ऑफ देव नारायण जी, पाबूजी, लोकल हीरो एटसेट्रा। द भोपास, द प्रिस्ट सिंगर्स ट्रेडिशनली कैरी द पेंटेड फर्स अलॉन्ग विद देम एंड यूज दिस एज द मोबाइल टेम्पल्स ऑफ द फोक डिटीज हु आर वर्शिप बाय द रिबारी कम्युनिटी ऑफ द रीजन। देन गोंड पेंटिंग्स, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना इन पेंटिंग्स के, ये आप ध्यान रखना, बिकॉज प्री में पूछा जाता है। सो दिस गोंड पेंटिंग्स, दे आर फॉर्म ऑफ पेंटिंग फ्रॉम फोक आर्ट एंड ट्राइबल आर्ट दैट इज प्रैक्टिस बाय द गोंड ट्राइब, एंड दे कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ऑनलाइन वर्क दैट हैज एन इमीडिएट इफेक्ट ऑन द व्यूअर। देन स्टॉक लिमिट ऑन पल्सेज, सेंटर ने भैया स्टॉक लिमिट इम्पोज की है ऑन ऑल पल्सेज एक्सेप्ट मूंग, ठीक है, मूंग दाल को छोड़ के। द स्टॉक लिमिट ऑफ 200 टन फॉर एनी वेराइटी ऑफ पल्स हैज बीन इम्पोज, और इसको लेके ऑर्डर फूड मिनिस्ट्री ने, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इशू कर दिया है, ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इशूड द रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, स्टॉक लिमिट एंड मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन ऑन स्पेसिफाइड फूड स्टफ ऑर्डर 2021, जो कि ये स्टॉक लिमिट इम्पोज करता है। और ये ऑर्डर जो एक्सरसाइज किया गया है, इट हैज बीन इशूड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाय सेक्शन 3 ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। सो यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो स्टॉक लिमिट लगाई है, ये कौन से एक्ट के तहत लगाई है, कौन से एक्ट का यूज करके स्टॉक लिमिट लगी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, ठीक है। सो इफ द स्टॉक्स एक्सीड, इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड ऑन द ऑनलाइन पोर्टल, और साथ ही साथ द स्टॉक हैज टू बी ब्रॉट विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट विद इन 30 डेज ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द
ऑर्डर, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद फ्रीड स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव, लॉजिस्टिक्स डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज रिलीज द रोड मैप फॉर द फ्रीड स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव। हाँ, इसका मेन मकसद क्या है? बेसिकली इसमें राज्य सरकार जो होंगे वो 10 सिटीज आइडेंटिफाई करेंगे जिन्हें डेवलप किया जाएगा एज अ फ्रीड स्मार्ट सिटी, और फ्रीड स्मार्ट सिटी के तहत अर्बन फ्रीड उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाएगा। बेसिकली फ्रीड यानी कि कहीं ना कहीं जो सामानों की आवाजाही जो हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स एंड ऑल, सो इट विल क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ रिडक्शन इन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। ओके, इन द 10 सिटी सिटी लेवल लॉजिस्टिक्स कमिटी विल बी फॉर्म्ड एंड द कमिटीज विल हैव मेंबर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एटसेट्रा, और फिर ये सारे बैठ के प्लान डेवलप करेंगे नाइट टाइम डिलीवरी को लेके, ट्रक रूट्स को लेके, अर्बन फ्रीड्स में इलेक्ट्रिफिकेशन को प्रमोट करना एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सो फर्दर द इनिशिएटिव विल बी एक्सपांडेड टू 75 सिटीज इन द नेक्स्ट फेज बिफोर स्केलिंग अप थ्रू आउट द कंट्री। इसमें सारे राज्यों के कैपिटल्स और ऐसी सिटीज जिनकी 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है उन्हें कवर किया जाएगा। ओके, सो अर्बनाइजेशन की वजह से, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, ई कॉमर्स की वजह से बहुत फ्रीड मूवमेंट्स हो रही हैं, ये तो आपको पता ही है। आजकल इतनी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग होने लग गई है कि भाई सामानों की डिलीवरी प्रॉपर करने के लिए ट्रकों की आवाजाही भी बढ़ी है। ओके, और साथ ही साथ इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट द डिमांड फॉर अर्बन फ्रीड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 140% अगले 10 सालों में, तो हमें फ्रीड एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। हीट डोम, पार्ट्स ऑफ कैनेडा एंड यूएसए, बेसिकली न्यूज में आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि कैनेडा में अचानक से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, काफी लोगों की डेथ भी हुई बेसिकली। ओके, सो कैनेडा यूएसए के कुछ हिस्सों में सीवियर हीट से लोग काफी ज्यादा परेशान रहे, और ये चीज आई कि भाई ये जो हीट वेव है इट इज कॉज ड्यू टू अ हीट डोम। ओके, सो हाई टेम्परेचर आर बींग रिपोर्टेड फ्रॉम द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट एंड सम पार्ट्स ऑफ कैनेडा। नाउ हीट वेव की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द NOAA यानी कि नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, अ हीट डोम ऑकर्स व्हेन द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हॉट ओशन एयर लाइक अ लिड और कैप। ठीक है, हीट डोम इज मोर लाइकली टू फॉर्म ड्यूरिंग ला नीना ईयर्स लाइक 2021 व्हेन वाटर्स आर कूल इन द ईस्टर्न पैसिफिक एंड वार्म इन द वेस्टर्न पैसिफिक। ओके, द फिनोमिनन बिगिंस व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चेंज इन ओशन टेम्परेचर इन द प्रोसेस नोन एज कन्वेक्शन, द टेम्परेचर डिफरेंस कॉज मोर एयर, मोर वार्म एयर एंड हीटेड बाय द ओशन सर्फेस टू राइज ओवर द सर्फेस ओशन सर्फेस। तो बेसिकली ज्योग्राफी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही है। द टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट्स विंड दैट ब्लो डेंस ट्रॉपिकल वेस्टर्न एयर ईस्ट वर्ड एंड इवेंचुअली द वार्म एयर गेट्स ट्रैप्ड इन द जेट स्ट्रीम, अ करेंट ऑफ एयर स्पिनिंग काउंटर क्लॉक वाइज अराउंड द ग्लोब एंड एंड्स अप ऑन द US वेस्ट कोस्ट रिजल्टिंग इन हीट वेव। ठीक है, तो इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है कि हीट वेव फॉर्मेशन एंड ऑल को लेके। अ हीट वेव इज बेसिकली अ पीरियड ऑफ अनयूजुअली हॉट वेदर जो कि 2 दिन से ज्यादा लास्ट करे। इट कैन ऑल्सो ऑकर विद और विदाउट हाई ह्यूमिडिटी एंड इट हैज द पोटेंशियल टू कवर अ लार्ज एरिया एक्सपोजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू हजार्डस हीट। इसका अगर हम इम्पैक्ट देखें, एज लॉन्ग एज द बॉडी इज प्रोड्यूसिंग स्वेट विच इज देन एबल टू इवेपोरेट क्विकली, द बॉडी विल बी एबल टू रिमेन कूल इवन अंडर हाई टेम्परेचर, बट देर इज अ लिमिट टू दिस। ओके, इसे हम वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। ओके, और इस लिमिट के बाद हमारी बॉडी हाई टेम्परेचर नहीं मतलब बर्दाश्त कर पाएगी। ठीक है भाई, पसीना निकलता है, इवेपोरेशन होता है, वो सारी बात ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भट्टी में झोंक दो इंसान को, उसकी भी तो एक लिमिट है ना। तो फिर उसके बाद हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट एग्जॉशन, सन बर्न, ये सारी चीज़ें होती हैं, और कई बार इट कैन प्रूव फेटल, डेथ भी हो जाती है बिल्कुल। ओके, सो वेट बल्ब टेम्परेचर मतलब इट इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर दैट अ सर्फेस कैन रीच बाय इवेपोरेटिव कूलिंग, उसके ऊपर फिर जाएगा तो वो फिर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन समर द जेट स्ट्रीम शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड, देन हॉट एंड स्टैग्नेंट एयर एक्सपांड्स अपवर्ड, स्ट्रॉन्ग एंड हाई प्रेशर एटमोस्फेरिक कंडीशन कंबाइन विद विच इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम लानीना एक्ट लाइक अ डोम और कैप। ओके, जो चीजें अभी यहाँ पे हमने डिस्कस की, सो इम्पैक्ट ऑफ हीट डोम, लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज टू क्रॉप्स, राइज इन एनर्जी कंजम्पशन, इंक्रीज इन वाइल्ड फायर्स, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स क्लाउड फ्रॉम फॉर्मिंग। बेसिकली इस वजह से वहाँ पे बारिश एंड ऑल का पूरा स्कोप निपट जाता है, खत्म हो जाता है, जिस वजह से टेम्परेचर डाउन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी कि UDISE+, UDISE+ न्यूज़ में था बिकॉज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने 2019-20 के लिए
ये रिपोर्ट रिलीज की थी। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑन स्कूल एजुकेशन। 2012-13 में इनिशिएट किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बाय इंटीग्रेटिंग DISE फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन एंड SEMIS फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। इट हेल्प्स मेजर द एजुकेशन पैरामीटर फ्रॉम क्लास 1 to 12 इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, सो की फाइंडिंग्स अगर हम इसकी देखें, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इम्प्रूव हुआ है 2019-20 में एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। इट इज़ 98% फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 8 फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी 78 and 51। देन उसके बाद PTR यानी कि प्यूपिल टीचर रेशियो ये भी इम्प्रूव हुआ है, गर्ल्स का एनरोलमेंट बढ़ा है और साथ ही साथ 2012-19 के बीच में जेंडर पैरिटी इंडेक्स भी इम्प्रूव हुआ है। देन फैसिलिटीज इन स्कूल मोर देन 80% हेड फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ये भी 6% का इम्प्रूवमेंट शो हो रहा है। देन उसके बाद ऐसे स्कूल्स जहाँ पे कंप्यूटर्स फंक्शनल है वो भी इंक्रीज हुए हैं, नंबर ऑफ स्कूल्स जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं और साथ ही साथ 90% स्कूल से ज़्यादा में हैंड वॉश की भी फैसिलिटी है, तो ये भी इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छी बात है भाई। देन मोर देन 80% हैड इलेक्ट्रिसिटी इन 2019, ये भी 7% का इम्प्रूवमेंट है और 82% स्कूल कंडक्टेड मेडिकल चेकअप ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये भी बहुत सही बात है। चलिए आगे चलते हैं, ऑक्सीजेनी। तो भाई ये एक डिवाइस डेवलप की थी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च की टीम ने, ठीक है। तो ये एक मोबाइल ग्रुप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है दैट कैन बी यूज्ड इन रूरल सेटिंग्स एंड इट कैन आल्सो बी रैपिडली डिप्लॉयड इन एमरजेंसीज इन एनी लोकेशन। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन टेक्नोलॉजी। द टीम रिप्लेस लिथियम जियोलाइट्स विच इज यूजली यूज इन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स विद सोडियम जियोलाइट्स विच डू नॉट जनरेट टॉक्सिक सॉलिड वेस्ट एंड कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। एडवांटेजेस अगर हम इसके देखें, इट इज मॉड्यूलर, इट इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग अ रेंज ऑफ सॉल्यूशन जैसे कि कन्वर्जन ऑफ मेडिकल एयर टू मेडिकल ऑक्सीजन। सेकेंडली इट इज एन इंटायरली ऑफ ग्रिड सॉल्यूशन इंक्लूडिंग ऑल मॉड्यूल्स दैट कैन फैसिलिटेट डिप्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। थर्ड लीड इज पोर्टेबल जस्ट लाइक पर्सनल ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स एंड अफोर्डेबल टू। ड्रोन अटैक इन इंडिया, लास्ट वीक 2 drones dropped an IED each packed with high grade explosives on an Indian Air Force base in Jammu. It was the first ever attack in India where suspected terrorists had used drones. So drones have control and delivery mechanisms and to counter them either you can counter the control mechanisms by jamming or can control the delivery mechanism. It depends on what kind of radar is being used which is critical for the size of the UAV that needs to be detected. तो यार ये important चीज़ें हैं बिल्कुल, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि currently जो हमारी border forces हैं they largely use eyesight, ठीक है, drones को spot करने के लिए और फिर उसके बाद they shoot them down। तो ये बोलना आसान है, हालाँकि बहुत सारे जो drones होते हैं वो बहुत small होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई पर वो रहते हैं तो उन्हें target करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। Okay, so India has been exploring technologies to detect and disable drones using electromagnetic charges or shoot them down using laser guns and technology to disable their navigation interfere with their radio frequency. तो ये सारी चीज़ें भी हैं जिनका ध्यान रखा जा रहा है। ड्रोन रेगुलेशंस के लिए जो भारत में रूल्स हैं, देर इज द अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम UAS रूल्स 2020। ये एक सेट ऑफ रूल है जो कि भारत सरकार द्वारा नोटिफाई किया गया था। इसका एम क्या है? इसका एम है इंडिया में ड्रोन पोर्ट्स का इम्पोर्ट ट्रेड ओनरशिप स्टैब्लिशमेंट को रेगुलेट करना, ठीक है, एक फ्रेमवर्क तैयार करता है ये ड्रोन्स के लिए। देन उसके बाद देर इज नेशनल काउंटर रोग ड्रोन गाइडलाइंस 2019, ठीक है, कई सारी गाइडलाइंस भी हैं। देन उसके बाद अगर हम अदर इनिशिएटिव की बात करें, देर इज DEW यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वीपन, ओके, DRDO ने डेवलप किया 2 anti-drone डायरेक्टेड एनर्जी वीपन सिस्टम विद 10 kW लेजर टू इंगेज एरियल टारगेट्स एट 2 km रेंज एंड अ कॉम्पैक्ट ट्राइपॉड माउंटेड वन विद अ 2 kW लेजर फॉर अ 1 km रेंज, ओके। देन उसके बाद स्मैश 2000+ Armed forces are now also importing a limited number of other systems like Israeli Smash 2000+ computerized fire control and electro-optic sights which can be mounted on guns and rifles to tackle the threat from small hostile drones in both day and night condition. Global anti-drone system ki baat karein, there is Drone Dome, theek hai, Rafale, okay, jo Israel ki company hai, it is behind this. Then Drone Hunter, ye US ki cheez hai. ओके, यूएस बेस्ड फॉर्टम टेक्नोलॉजी यूज करती है ये इंटरसेप्टर ड्रोन जिसे हम ड्रोन हंटर कहते हैं। देन देयर इज ड्रोन गन,
बिसाइड्स द रेगुलर डिटेक्शन एंड सर्विलांस, ड्रोन शील्ड एन ऑस्ट्रेलियन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, इट ऑफर्स अ सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रोन गन। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अग्नि पी मिसाइल डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया भाई, ठीक है। न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी, कहां से? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। सो इट्स अ न्यू जनरेशन एडवांस्ड वेरिएंट ऑफ द अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल्स। अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें, इट्स अ कनिस्टर बेस्ड मिसाइल। ओके, कनिस्टराइजेशन ऑफ मिसाइल्स रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू लॉन्च द मिसाइल व्हाइल इंप्रूविंग इट्स स्टोरेज एंड मोबिलिटी। दिस मीन्स दैट इट कैन ऑल्सो बी लॉन्च फ्रॉम रेल रोड स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड। वेट अगर हम देखें, इट लेस 50% लेस देन अग्नि 2। रेंज की बात करें 1000 से 2000 किलोमीटर। ओके, सो स्पेसिफिकली पाकिस्तान में टारगेट स्ट्राइक करने के लिए डेवलप किया गया है। इट विल रिप्लेस पृथ्वी, अग्नि 1, अग्नि 2 मिसाइल्स एटसेट्रा। अग्नि मिसाइल्स की थोड़ी सी चर्चा करें। बेसिकली अग्नि मिसाइल्स दे ट्रेस देयर ओरिजिन बैक टू द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और जो कि अब्दुल कलाम जी द्वारा कंसीव किया गया था इन द 80s, ताकि भारत भी मिसाइल टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। एंड द मिसाइल्स डेवलप्ड इंक्लूड अग्नि, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी, नाग, ठीक है। सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स इन इंडिया। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज रिसेंटली सॉट पब्लिक कमेंट्स ऑन इट्स ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल व्हिच प्रपोजेस टू ब्रिंग बैक इट्स रिविजनरी पावर्स ओवर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इट विल ऑल्सो मेक द प्रोसेस ऑफ सेंक्शनिंग ऑफ फिल्म फॉर एग्जीबिशन मोर इफेक्टिव, इन ट्यून विद द चेंज टाइम्स एंड कर्ब द मिनस ऑफ पायरेसी। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में बेसिकली कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर अपहेल्ड किया था, जिसने सेंटर का जो रिविजनल पावर्स है वो स्ट्रक डाउन कर दिया था। बट सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट द लेजिस्लेचर में ओवर रूल और नलीफाई द जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव डिसीजन बाय इनएक्टिंग एन अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। तो आपको पता ही है भाई कि अगर पार्लियामेंट लॉ बना देता है तो फिर वो जुडिशरी के मतलब फैसले को नलीफाई कर सकता है। प्रोविजन ऑफ ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021 उतना ज्यादा हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ वायलेशन ऑफ सेक्शन 5B कैन ऑर्डर फॉर री एग्जामिनेशन बाय द सर्टिफिकेशन बोर्ड ऑफ एन ऑलरेडी सर्टिफाइड बिल। ओके, तो आपने देखा होगा मूवीज को सर्टिफिकेशन मिलते हैं तो सरकार उन्हें री एग्जामिनेशन के लिए ऑर्डर कर सकती है अगर सरकार को लगता है कि भाई ये सर्टिफिकेट सही नहीं दिए गए हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो इसमें फिल्म पायरेसी को लेके भी पॉइंट है। सेक्शन 6AA मेक्स पायरेसी अ पनिशेबल ऑफेंस। ओके, द पनिशमेंट फॉर टर्म ऑफ 3 years विद अ फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 3 lakh बट विच मे एक्सटेंड टू 5% ऑफ द ऑडिटेड ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट और बोथ। द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस मुदगल मुकुल मुदगल कमिटी एंड द श्याम बेनिगल कमिटी हैज ऑल्सो बीन कंसिडर्ड। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन एक स्टैचूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, रेगुलेटिंग द पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, चेयरमैन है, हेडक्वार्टर मुंबई। फिल्म्स कैन बी पब्लिकली एग्जीबिटेड इन इंडिया ओनली आफ्टर दे हैव बीन सर्टिफाइड बाय द CBFC, ठीक है। मूवीज में आपने ये सारे UAU सर्टिफिकेशन देखा होगा। चलिए, NHP भुवन पोर्टल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द NHP भुवन पोर्टल ऑफ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। द नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट और NHP भुवन पोर्टल इज अ रेपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय NRSC अंडर NHP। इट ऑल्सो हैज अ फैसिलिटी टू डाउनलोड द रिपोर्ट्स एंड नॉलेज प्रोडक्ट्स बींग डेवलप्ड बाय NRSC। सो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट गंगा रिजुविनेशन द्वारा लॉन्च किया गया था और साथ ही साथ इसमें वर्ल्ड बैंक ने भी फाइनेंशियल एड दी थी। टू इम्प्रूव द एक्सटेंट एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी टू इनेबल इम्प्रूव वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट अक्रॉस इंडिया, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। देन इसके कंपोनेंट्स की बात करें, इम्प्रूविंग इन सीटू मॉनिटरिंग सिस्टम, स्पेशल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, देन प्रमोटिंग वाटर रिसोर्सेज ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एप्लीकेशन, स्ट्रेंथनिंग वाटर रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। तो इन स्कीम्स के बारे में आप जरूर पढ़ें। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इज NRSC जो कि वन ऑफ द प्राइमरी सेंटर है ऑफ इसरो DOS। NRSC का मैंडेट आप देख सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राउंड स्टेशन फॉर रिसीविंग सैटेलाइट डेटा, जनरेशन ऑफ डेटा प्रोडक्ट, डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स फॉर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन इंक्लूडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट, जियो स्पेशल सर्विसेज फॉर गुड गवर्नेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर प्रोफेशनल्स, फैकल्टी, स्टूडेंट्स एटसेट्रा।
देन फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट यानी कि फायर प्रोग्राम. सो SERB ने इन कोलैबोरेशन विद इंटेल इंडिया हैज लॉन्च दिस फायर प्रोग्राम. इट्स अ जॉइंट गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री इनिशिएटिव विद एन एम टू प्रमोट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन एंड स्ट्रेंथन एकेडमिक रिसर्च थ्रू कोलैबोरेशन विद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया. सो इसके अगर हम फीचर्स की बात करें, इट इंटेंड्स टू सेलेक्ट हाईली इम्पैक्टफुल रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन एवरी साइकिल. द प्रोजेक्ट्स विल बी इन द स्पेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म सिस्टम एटसेट्रा एटसेट्रा. SERB को 2009 में स्टैब्लिश किया गया था. इट्स अ बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, और ये फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके, सो SERB को जब सेटअप किया गया था, इसका मेन मकसद था भारत में बेसिक रिसर्च प्रमोट करना और साथ ही साथ साइंटिस्ट, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जो R&D लेबोरेटरीज हैं, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देना. ओके, इट इज चेयर्ड बाय द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है ये रिपोर्ट साल में दो बार. ओके, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर इवेल्यूएटिंग द करेंट एंड फ्यूचर आउटलुक फॉर इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज. ओके, सो द रिसेंटली रिलीज्ड एडिशन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ द वार्निंग्स इट कंटेन. क्या क्या वार्निंग्स हैं, क्या क्या चीजें हैं? द वर्ल्ड इकोनॉमी इज रिकवरिंग फ्रॉम पेंडेमिक, वी ऑल नो दैट. वाइल द एडवांस्ड इकोनॉमीज अपीयर टू रिटर्न और इवन एक्सीड देयर अर्लियर ग्रोथ रेट्स. ओके, इमर्जिंग मार्केट्स प्रोस्पेक्ट्स आर मोर मिक्सड. The strongest looking emerging market region is East Asia and the Pacific, followed by South Asia. There is huge global disparity in vaccine access. बहुत सारी जो गरीब countries हैं उन्हें vaccines नहीं मिल पा रही आसानी से, ठीक है, और इस वजह से वो आने वाले समय में COVID के जो waves हैं उसका खतरा उनको ज़्यादा है. Inflation की अगर हम बात करें, if inflation in advanced economies persist, central banks may be compelled to tighten monetary policy. And it will lead to higher capital inflows for advanced economies and the depreciation of EMDE currencies. The report shows that one big stumbling block to faster growth is the high cost of trade. Okay, tariff account for only 1/14th of the total cost of trade, with logistics, transport, bureaucracy, corruption making up the rest. विद रेस्पेक्ट टू इंडिया अगर हम देखें, द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट कोविड विल कॉज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी टू इंक्रीज बाय 143 टू 163 मिलियन इन 2021. ओके, मोर देन हाफ ऑफ द न्यूली पुअर इन साउथ एशिया, मेनली इन इंडिया. द प्रॉब्लम विद इंडिया इज नॉट इट्स इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो कि स्ट्रांग है, बट द फैक्ट इज द पुअर मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी. ओके, एंड द पेंडेमिक मीन्स कॉन्फिडेंस रिमेन्स डिप्रेस्ड, बैलेंस शीट्स डैमेज्ड. तो ये सारी चीज़ें हैं. देन उसके बाद Zydus Cadila ने अप्लाई किया है टू द CDSO और बेसिकली इट इज़ सीकिंग एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर ZyCoV-D जो कि इसकी COVID-19 की वैक्सीन है. ओके, और अगर अप्रूव कर दिया जाता है बाय द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ZyCoV-D विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट DNA वैक्सीन अगेंस्ट SARS-CoV वायरस. ओके, सो ये एक प्लास्मिड DNA वैक्सीन है. It uses a genetically engineered non-replicating version of type of DNA molecule known as plasmid. और इसे डेवलप किया है by the Zydus Cadila with the support of Department of Biotechnology and ICMR. ठीक है, so इस वैक्सीन में जो plasmids होते हैं, they are coded with instructions to make the spike protein of COVID. The साथ ही साथ वैक्सीनेशन गिव द कोड टू सेल्स इन द रिसीपिएंट बॉडी सो दे कैन बिगिन मेकिंग द स्पाइकी आउटर लेयर ऑफ द वायरस. द इम्यून सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू रिकॉग्नाइज दिस एज अ थ्रेट एंड डेवलप एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स. तो इतनी ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है कि वैक्सीन कैसे काम करता है भाई. ओके, थोड़ा सा बस यहाँ पे नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. ज़्यादातर जो COVID-19 के वैक्सीन हैं वो दो डोज दी जा रही है, आपको पता ही है, लेकिन जो ZyCoV-D होगी इट विल बी गिवन इन 3 doses. 28 दिन का इंटरवल होगा हर डोज के बीच में, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में आपको रखनी है. तो आज का हमारा ये वीडियो होता है यहाँ पे समाप्त. धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में.